अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसे आप सब लोगों को पता है अभी ईद की छुट्टियां हो गई हैं, तो हम सब लोग निकलने लगे हैं अपने अपने घरों को। आपको दिखाते हैं कि 10 साल बाद ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। अभी हमारे रक्षे के साथ हादसा पेश आ गया, लेकिन दुआएँ काम आ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। और अभी हम दूसरे रिक्शे पे जाते हैं और अभी ट्रेन पे पहुँचना है हमने, तो ट्रेन आने वाली है। रक्शे वाला भी रक्शे में बहुत बड़ा हादसा हो गया। हम जिस रक्शे में आ रहे थे ना, तो उसका टायर निकल गया, रक्शा उलट गया सारे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुआएँ काम आ गई हैं, हम चारों पाँच बंदे जो भी थे ना रक्शे में सब बच गए हैं। लेकिन रक्शे की तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो तो आपने देख लिया। अभी हम ये स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, बहुत रश है यहाँ पे, बहुत ये इतनी ज़्यादा आवाम है और ट्रेन का स्टॉप है सिर्फ 2 मिनट। लेकिन जैसे ही ट्रेन आई है आवाम में भगदड़ मच गया, सारे लोग लाइन से हटने की कोशिश में है। और जैसे ही हम निकले थे ना, तो बहुत मिट्टी हो रही थी ट्रेन में, बहुत धूल, हालत ही ख़राब हो रही थी, सारे बैठने का हाल ही नहीं था, दम घुट रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, तो हम बिहाड़ी में ही उतर गए। ट्रेन से मैलसी की टिकट ली थी, अच्छा ट्रेन पे जाना था मैलसी, लेकिन जो ट्रेन में हालत हुई ना, अच्छा हो गया, तो बिहाड़ी में ही उतर गया हूँ। मैंने कहा यहाँ से अभी बस पे बैठ के जाते हैं, ट्रेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ट्रेन तो नहीं, एक गधा गाड़ी थी, इतनी सारी मिट्टी, इतनी अंदर डस्ट। मैं यही रिकमेंड करूँगा आज के बाद, पहला और आखिरी सफ़र था। ठीक है, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।